तो दोस्तों ये है नथिंग 2A प्लस, और एक दो महीने चलाने के बाद ही मैं फ़ोन का रिव्यू देता हूँ कि किस तरह से फ़ोन चलता है और किस तरह का इसका क्वालिटी है। क्योंकि ये कंपनी से पैसे लेके वीडियो नहीं है, ये जो रियल बात है, रियल फैक्ट है फ़ोन के बारे में, मैं वही चीज़ आपको बताता हूँ। तो इसका जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी बहुत ही अच्छा क्वालिटी है फ़ोन का। और साइड में एक आपको पावर ऑफ ऑन बटन और नीचे में स्पीकर टाइप सी और सिम कार्ड का ड्रॉयर मिल जाएगा। इसमें हेडफोन का जैक आपको नहीं दिखेगा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, तो इस साइड में वॉल्यूम अप डाउन दे दिया है। और बैक का लुकिंग कुछ इस तरह का है, मिडिल में कैमरा है डिफरेंट दिखाने के लिए। ये कुछ कंपनी का डिफरेंट डिजाइन है जो कि ट्रांसपेरेंट है और पहले फ़ोन के मुकाबले लाइट को वो कम कर दिया है। और जिसका 6.7 इंच डिस्प्ले आता है और सुपर एमोलॉयड जो डिस्प्ले है, लेकिन सुपर एमोलॉयड के हिसाब से थोड़ा सा मेरे को कम लगा। 5000 mAh का बैटरी बैकअप मिलेगा आपको, और इसका जो बैकअप है बहुत ही अच्छा है। मीडियाटेक 7350 प्रो इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया है, वो इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल प्राइस के हिसाब से। और इसका जो कैमरा है 50 OIS कैमरा और 50+ और फ्रंट का 50, 8GB+8GB रैम आपको इसके इंक्रीज़ भी कर सकते हो। और कंपनी का जो सॉफ्टवेयर वर्सन है वो OS 2.6 का अपडेट के साथ आ जाता है और 3 साल का अपडेट आपको मिलेगा। चलाने में फ़ोन बहुत ही तगड़ा है, एकदम स्मूथ चलता है, आपको लैग बैग कुछ भी नहीं देखने के मिलेगा। इसमें मेरे बहुत सारा ऐप डाउनलोड करके चेक किया और फ्री फायर डाउनलोड करके खेल के भी चेक किया, खेलने में बहुत ही मस्त आपको फील देगा ये फ़ोन। प्राइस के हिसाब से फ़ोन जो है लेना चाहिए, क्योंकि ये मैंने एक दो महीने चलाने के बाद मैंने देखा फ़ोन का कोई भी दूसरा ख़राब इशू नहीं है। जितना भी ओवरऑल इसके बारे में बात करूं तो अच्छा ही है। इसमें एक्स्ट्रा कुछ आपको फीचर्स ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसमें बैक में जो लाइट है उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो आपकी नोटिफिकेशन की तहत। और इसमें जो बैक का लाइट है वो सिर्फ वाइट ही रहेगा, इसमें कलर चेंज नहीं आएगा। लेकिन इसको इसका जो ब्राइटनेस है वो आप कम कर सकते हो या फिर ज़्यादा कर सकते हो, इसका जो ब्राइटनेस बैक का जो लाइट है। और इसका जो कैमरा क्वालिटी के बारे में आप बात करेंगे, कैमरा क्वालिटी जो है वो 50 OIS कैमरा, मतलब आपको बहुत ही अच्छा खासा स्टेबलाइजेशन देगा, जो आपको दौड़ते दौड़ते वक्त या फिर वॉक करके चलते चलते आप अगर कैमरा करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा सा वीडियो क्वालिटी आपको दिखने के मिल जाएगा। और इसका जो ब्लिंकिंग लाइट है बहुत ही अच्छा खासा है। कैमरे में कुछ आपको एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देखने के मिलेगा, एक्स्ट्रा ऑप्शन कुछ देखने के लिए मिलेगा, और जो कि नथिंग फ़ोन में भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो इसका जो कैमरा क्वालिटी है एकदम नेक्स्ट लेवल का है। बैक का कैमरा है प्राइस के हिसाब से मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इस प्राइस में ऐसा कैमरा क्वालिटी दूसरे फ़ोन में आपको शायद ही कम देखने के लिए मिलेगा। इसका जो कैमरा क्वालिटी है, क्लियरिटी है, डिटेलिंग है, और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है एकदम नेक्स्ट लेवल। लेकिन फ्रंट का कैमरा 50 MP होने के बावजूद भी उतना अच्छा क्वालिटी ये आपको नहीं प्रोवाइड करेगा। क्यों? इसका जो सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद शायद कंपनी ठीक करेगा। हल्का सा मेरे को ब्लर नज़र आता है इसका जो कैमरा, फ्रंट का जो कैमरा है, लेकिन बैक का कैमरा एकदम ओके है, एकदम 100 में से 100 आप दे सकते हो। इसका जो बैक का कैमरा है, डिटेलिंग है, ये लो लाइट में भी अच्छा खासा आपको वीडियो फ़ोटो निकाल के देगा। अगर आप वीडियो करने की शौकीन हो या फिर फ़ोटो खींचने की, तो बैक कैमरा से आप इजीली उसको अच्छा खासा वीडियो आप निकाल सकते हो। तो आफ्टरऑल फ़ोन आपको लेना चाहिए, क्योंकि प्राइस के हिसाब से फ़ोन ठीक ठाक ही है, बाकी आपकी मर्ज़ी। और ये रियल फैक्ट है इस नथिंग 2A के बारे में। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो, ताकि हर फ़ोन के बारे में आपके लिए नए नए वीडियो नए